पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आम बात है, लेकिन यह देश ऐसे डिंगे हांकता है जैसे वो कितना बड़ा मानवाधिकार का रक्षक है। हालांकि हमारा पड़ोसी देश कभी अपने क्रिकेट की वजह से विश्व में थोड़ा बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, वह भी तब जब पिछले दशक में पाकिस्तान की सबसे मजबूत क्रिकेट टीम खेलती थी। लेकिन अब यह सामने आया है कि कैसे पाकिस्तानी टीम में हिंदू खिलाड़ी या अल्पसंख्यक धर्म वाले खिलाड़ियों के साथ बर्ताव होता था। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने देश के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया पर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। एक टीवी शो में शोएब ने कहा कि दानिश हिंदू था, इसलिए उसके साथ नाइंसाफी हुई। कुछ प्लेयर्स को तो इस बात पर एतराज था कि वो हमारे साथ खाना क्यों खाता है। दरअसल गेम ऑन है नामक इस चैट शो में शोएब के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ कमाल भी थे। विश्व के सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाने वाले शोएब अख्तर ने अपने साथी मोहम्मद यूसुफ, पहले उनका नाम यूसुफ यूहाना था, को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसुफ के 12,000 रन होते, लेकिन हमने उसे कभी सेफ गार्ड नहीं किया। मेरी 2-3 प्लेयर से लड़ाई हुई, मैंने कहा कि अगर कोई हिंदू है तो वह भी खेलेगा, और उसी हिंदू ने हमें टेस्ट सीरीज जिताई। शो को होस्ट करने वाले क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान रियाज ने फौरन कहा कि दानिश कनेरिया ने जिताई थी। शोएब ने आगे कहा, बात खुल जाएगी, लेकिन बता दूं कि कुछ प्लेयर्स ने मुझे कहा कि ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा, कप्तान हो गए तुम अपने घर के, वो तुम्हें 6-6 विकेट लेकर दे रहा है। इंग्लैंड में दानिश और शमी ने हमें सीरीज जिताई थी। बता दें कि दाएं हाथ के लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने वर्ष 2000 से 2010 तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला था। एक ऐसा दौर भी था जब उनकी गिनती पाक के शीर्ष स्पिनरों में की जाती थी। 2004 के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए 2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने कनेरिया को ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी नामांकित किया था। ये ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के सबसे सफल स्पिनर भी हैं, जिन्होंने 5 टेस्ट में लगभग 24 विकेट लिया था। करीब 10 साल के इंटरनेशनल कैरियर में कनेरिया ने 61 टेस्ट और 19 वनडे मैच खेले। टेस्ट में उन्होंने 34.8 की औसत से 261 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की ओर से खेलने वाले इस हिंदू गेंदबाज ने पारी में 5 या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा 15 बार किया, जबकि 2 बार उसने मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट झटके थे। दानिश कनेरिया का संबंध भारत के सूरत से है, हालांकि दशकों पहले उनके पूर्वज पाक में जा बसे थे। अपनी कट्टरता के लिए बदनाम पाकिस्तान की 66 साल के टेस्ट कैरियर के इतिहास में अब तक सिर्फ 7 गैर मुस्लिम ही टीम का हिस्सा बन पाए हैं। अब अगर जैसा शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम के हालात को बयां किया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी गैर मुस्लिम को वहां कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। इसी अत्याचार की वजह से शायद पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास के सबसे कामयाब बल्लेबाजों में से शुमार ईसाई यूसुफ यूहाना ने साल 2005 में इस्लाम कबूल कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था, और फिर उनका नाम तब से मोहम्मद यूसुफ हो गया था। उनके नाम 90 टेस्ट में 7,530 रन और 288 वनडे में 9,720 रन दर्ज हैं। यूसुफ ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 39 शतक और 97 अर्धशतक लगाए हैं। अल्पसंख्यक मामलों पर भारत को ज्ञान देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पहले अपने देश में झांक कर देखना चाहिए और फिर कुछ भारत के खिलाफ बोलना चाहिए। भारत में कोई भी क्षेत्र हो, खेल या सामान्य जीवन, कभी भी किसी अल्पसंख्यक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता। वहीं बांग्लादेश का ही उदाहरण देखा जाए तो वह भी एक इस्लामिक देश है, लेकिन वहां की टीम में कई हिंदू क्रिकेटर खेल चुके हैं और कभी भी अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया गया। लिटन कुमार दास हों या सौम्य सरकार या आलोक कपाली, सभी क्रिकेटरों ने बांग्लादेश क्रिकेट के लिए योगदान दिया है, लेकिन इस तरह से धर्म के कारण किसी के साथ इतना घिनौना बर्ताव नहीं हुआ है। पाक की आम जनता में गैर मुस्लिमों के साथ अत्याचार तो आम बात है, लेकिन क्रिकेट में इस तरह का व्यवहार मानवता और क्रिकेट जगत दोनों के लिए शर्म की बात है।